शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धनगर ऐक्य अभियान संगठन की अगुवाई में गुरुवार को तहसील के धनगर समाज बंधुओं ने अपने विभिन्न प्रलंबित मांगों के संदर्भ में दिग्रस तहसील कार्यालय को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा। बेहद अनोखा अंदाज था ज्ञापन सौंपने का। इस ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से धनगर समाज की मांग पर गौर करने के लिए उन्हें न्याय दिलाने की अपील की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित समाज बंधुओं ने नारेबाजी कर मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई है। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले धनगर समाज बीते कई सालों से सरकार की उपेक्षा का शिकार है। तत्कालीन सरकार हो या वर्तमान सरकार, सभी ने अपने कार्यकाल में इस समाज को नजरअंदाज किया है। सरकार की इस बेरुखी के चलते धनगर समाज ऐक्य संगठन के डॉक्टर शशिकांत तरंगी के आदेश पर दिग्रस संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गुरुवार को दिग्रस तहसील कार्यालय पहुंचकर समाज की विभिन्न प्रलंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से स्थानीय तहसीलदार राजेश वर्जीरे को खून से लिखा ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पिछली सरकार द्वारा समाज के उत्थान और विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज देने का, समाज को आरक्षण दिलाने, समाज के विकास के लिए 22 योजनाओं आदि विभिन्न मांगों सहित बीते दिनों जड़कोट जिला लातूर में धनगर समाज के परिवारों पर हुए हमले में मृतक को इंसाफ दिलाने, हमलावरों को कड़ी सजा दिलाने और मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का उल्लेख खून से लिखे ज्ञापन में किया गया। इस मौके पर धनगर समाज बंधुओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं धनगर ऐक्य अभियान संगठन के संयोजक यादव गावंडे ने इस विषय में जानकारी साझा की है। धनगर ऐक्य अभियानाच्या अंतर्गत डॉक्टर शशिकांत तरंगे साहेब यांच्या आदेशावरून, सूचनेवरून आज आम्ही रक्तलिखित निवेदन सन्माननीय तहसीलदार साहेब दिग्रस यांना देण्यात आलेलं आहे। या निवेदनामध्ये मागच्या सरकारने दिलेल्या 1,000 कोटी रुपयाच्या पॅकेजची व 22 योजनांची अंमलबजावणी करावी, सोबतच अनुसूचित जाती जमातीचं आरक्षणाची अंमलबजावणी त्वरित करावी। काल जळकोट जिल्हा लातूर येथे झालेल्या मेंढपाळावरील हल्ला करून जे काही मृत्यूमुखी समाज बांधव पडले त्यांच्या त्या हल्लेखोरावर त्वरित कारवाई करून त्यांना अटक करावी व मृतकाच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी। तसेच राज्यामध्ये जे काही मेंढपाळावरील होत असलेल्या हल्ले त्यांना प्रतिबंध म्हणून हल्लेखोरावर कडक कारवाई करावी, अशा या सर्व विविध मागण्याचं निवेदन आज समाज बांधवाच्या वतीने तहसीलदार साहेबांना देण्यात आलेलं आहे। या निवेदनाच्या माध्यमातून सरकारला एवढंच सांगणं आहे, समाजावरचा अत्याचार रोखावा, अन्यथा सरकारच्या विरोधात हा समाज रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, याची गंभीर नोंद घेण्यात यावी। मालूम हो कि लातूर मल्हार सेना जिला प्रमुख ने अपनी खून से रक्त लिखित ज्ञापन प्रशासन को सौंप कर धनगर समाज बंधुओं पर हुए हमले के आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की है। इस मामले में अगर कोताही बरती गई तो आगामी दिनों में महाराष्ट्र भर में तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी बहु उन्होंने दी। बहरहाल इस मौके पर ज्ञापन को दिग्रस तहसीलदार के सुपुर्द करने धनगर समाज नेता यादव गावंडे, तानाजी घुमनर, राजा भाऊ खांडवे, जयराम काळे, अनिल गावंडे, बापूराम खोड़के, दीनानाथ बाबरे, उत्तम वैद्य, सुरेश मात्रे, राजू बणगर, प्रवीण डामरे, अभिजीत खोड़के, रविशंकर पावड़े, कुणाल परांडे, प्रकाश खोड़के, अनंता उगड़े, मोहन खोड़के, रामू केसाड़े, दत्ताराम उरेकर आदि धनगर समाज बंधु बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इनवीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।